समस्तीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप का माहौल है। व्यापारी के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। देर रात बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन राय के घर पर फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है जिससे हड़कंप का माहौल है। व्यापारी के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। देर रात बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की है। जानकारी दे दे, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन राय के घर पर यह फायरिंग हुई है, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर समस्तीपुर से इस वक्त के आपको बता रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप का माहौल यहां पर है। आपको बता दें, व्यापारी के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। देर रात बेखौफ अपराधियों ने गोलीबारी की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं अपराधियों के हौसले यहां पर किस कदर बुलंद है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन राय के घर पर यह फायरिंग की गई है, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर है। ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप का माहौल है। व्यापारी के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन राय के घर पर यह फायरिंग की गई है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारी के घर पर दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। एक और बड़ी खबर है समस्तीपुर से। समस्तीपुर में दो व्यवसायियों के इससे लूट हुई है। विरोध करने पर अपराधियों ने गोलीबारी। दोनों व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी हुए। लूटपाट की घटनाओं से दहशत में है व्यवसायी। मथुरापुर ओपी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक की पुल की घटना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से। बड़ी जानकारी है, समस्तीपुर में दो व्यवसायियों से लूटपाट की गई है और विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारी है। दोनों व्यवसायी इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज चल रहा है। लूटपाट की घटनाओं से दहशत में व्यवसायी वर्ग के सभी लोग हैं। मथुरापुर ओपी क्षेत्र के बूढ़ा गंडक पुल की घटना है। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दो व्यवसायियों से लूटपाट की गई है और इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। मथुरापुर जो ओवरब्रिज है, उसके आगे जैसे कोई गल्ला व्यवसायी आ रहे थे, ओवरटेक करके लगता है पैसा छीनने का प्रयास किया, उसी क्रम में गोली लगा। कितने व्यवसायी थे? दो व्यवसायी। कितने की लूट हुई होगी? नहीं पता पाया, पूछताछ करने के बाद ही नहीं पता चलेगा। और चलिए, अब आपको हम दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं किस कदर यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और लगातार देखिए, आपराधिक घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। दो व्यवसायियों से लूटपाट की गई है, विरोध करने पर अपराधियों को गोली मारी गई है, जिससे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। अब प्रशासन की टीम की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। और देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। व्यवसायी के घर पर गोलीबारी हुई है और लूट का विरोध करने पर फायरिंग की गई है अपराधियों की तरफ से, जिसपे दो व्यवसायी जख्मी हो गए हैं। और देखिए, व्यवसायी के घर पर ये गोलीबारी की गई है। हालांकि जख्मी जो व्यवसायी हैं, उनको इस वक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि विरोध करने पर अपराधियों ने दोनों व्यवसायी पर गोली चला दी, जिससे दोनों व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। व्यवसायी वर्ग के लोग इस वक्त डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि देखिए, अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद नजर आ रहे हैं।